नमस्कार दोस्तों, trucksbuses.com पे आपका स्वागत है। एक ऐसी वेबसाइट जहां आपको मिलते हैं लेटेस्ट ट्रक्स और बसेस, उनके कंपैरिजंस, साथ ही साथ पुराने कमर्शियल व्हीकल्स भी। 1 अप्रैल से भारत में BS6 की शुरुआत हो चुकी है और आज हम आपको दिखाएंगे एक ब्रांड न्यू BS6 ट्रक SMLE सुजुकी की ओर से, जिसे आप स्वराज माजदा के नाम से भी पहचानते हैं। ये ट्रक कंपनी के ग्लोबल सीरीज प्लेटफॉर्म पर आधारित है। मॉडल का नाम है सरताज GS5252। पंजाब के रोपड़ प्लांट में इसे बनाया जाता है। काफ़ी सारे नए फीचर्स हैं इसमें, जिसके बारे में ना तो आपने कभी सुना होगा ना कभी देखा होगा। बात करेंगे हर एक पहलू पे विस्तार से। पहले देख लीजिए एक झलक। KG के ग्रॉस वेट के साथ ये आपको 2.5 टन का बेहतरीन पेलोड देता है और लोडिंग के लिए 10 फीट का बॉडी दिया गया है। आप इस ट्रक को केबिन चेसी, केबिन विद हाई साइड डेक और केबिन विद फिक्स साइड डेक ऑप्शंस में खरीद सकते हैं। ये मेजरली मुकाबला करेगा टाटा 407 से और आइशर प्रो 2049 से। यही नहीं, अगर आप कोई पिकअप ट्रक भी खरीदना चाह रहे हैं तो भी श्रेणी के ट्रक्स में एक बार जरूर नजर डाल लें। आकार में भले ही थोड़े बड़े दिखते हैं, लेकिन आपका मुनाफा और प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ाने का दम रखते हैं। फ्रंट में आप देख सकते हैं एक नया खूबसूरत ग्लोबल सीरीज केबिन मेड विद रोबोट्स कंप्लीटली एंड CED पेंटेड फॉर लॉन्गर लाइफ। क्लियर लेंस हेडलैम्प्स दिए गए हैं और पहले के मुकाबले बड़ी विंडशील्ड देती है बेटर फ्रंट विजिबिलिटी। 2515 mm के शॉर्टेस्ट इन द सेगमेंट व्हीलबेस के साथ ये आपको 5 मीटर का बेस्ट इन क्लास टर्निंग रेडियस देता है, जिससे आप तंग से तंग रास्तों में आसानी से इसे ले जा सकते हैं। बाकी LCV ट्रक्स के मुकाबले इसमें एक बहुत बड़ा अंतर है इसका बॉक्स टाइप चेसी, जो कि दूसरे ट्रक्स में सी चैनल टाइप दिया जाता है। फ्रंट और रियर में लीफ स्प्रिंग्स यानी कि पट्टा कमानी फिटेड हैं, जो कि लो मेंटेनेंस के लिए जाने जाते हैं। 716 साइज के बड़े टायर्स इसे देते हैं बेहतर ग्राउंड क्लियरेंस, जिससे आप खराब सड़क और कच्चे रास्ते दोनों में इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ट्रक सूटेबल रहेगा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फूड ग्रेन्स, गैस सिलेंडर, पोल्ट्री इत्यादि एप्लीकेशन के लिए। जैपनीज टेक्नोलॉजी वाला 3.5 लीटर का SLT6 इंजन दिया गया है। HP की ताकत ये आपको देता है और 315 Nm का बेस्ट इन क्लास टॉर्क। ज्यादा टॉर्क लोडेड कंडीशन और घाट सेक्शन के दौरान खिंचाई में मदद करता है। 5-speed गियरबॉक्स के साथ आपको मिलती है 40% की बेस्ट इन क्लास ग्रेडेबिलिटी, जिससे आप खड़ी से खड़ी चढ़ाई पार कर सकते हैं बड़ी आसानी से। 90 लीटर का डीजल टैंक इसमें फिटेड है, जो कि श्रेणी में सबसे बड़ा है। लगभग 9 से 9.5 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज के साथ अब आप इससे लगभग 800-850 किलोमीटर चल सकते हैं बिना रिफ्यूलिंग के। एमिशन कंट्रोल के लिए एग्जॉस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम लगाया गया है। ये AdBlue के छिड़काव से धुएं में निकलने वाली गैसेस को ट्रीट करता है, जिससे पॉल्यूशन कंट्रोल होता है। 16 लीटर का AdBlue टैंक दिया गया है। लगभग हर 20 लीटर डीजल खपत के साथ 1 लीटर AdBlue की एवरेज कंजम्पशन होती है। पुराने SML ट्रक्स के मुकाबले सरताज GS में केबिन पूरा बदल दिया गया है। इंटीरियर्स बिल्कुल चेंज हो चुके हैं, हालांकि सिंप्लिसिटी पे फोकस रखा गया है। एक नया डैशबोर्ड दिया गया है, जो कि SML के ग्राहकों को काफ़ी पसंद आएगा। नया स्टीयरिंग व्हील दिया गया है अलॉन्ग विद टिल्टेबल एडजस्टमेंट। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी आपको BS6 अवतार में मिलेगा, एक क्यूट से LED पैनल के साथ। USB मोबाइल चार्जर और बॉटल होल्डर जैसे बेसिक यूटिलिटी फीचर्स आपको इस ट्रक में मिलेंगे। साथ ही साथ ड्राइवर को ड्राइवर के कंफर्ट के लिए सीट को भी बढ़िया कुशनिंग दी गई है। आपको बता दें कि सारी GS सीरीज में कंपनी ने SML सारथी का स्टैंडर्ड फिटमेंट दिया है। ये कंपनी का टेलीमेटिक सॉल्यूशन है, जिससे आपको ट्रैक एंड ट्रेस के साथ साथ काफ़ी सारी एडवांस सुविधाएं भी मिलती हैं। इसके इस्तेमाल से
गाड़ी का रखरखाव और परफॉर्मेंस दोनों बेहतर किए जा सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं सेफ्टी की। सामने की सेफ्टी के लिए प्योर मेटालिक बम्पर दिया गया है, हाई स्पीड में ब्रेकिंग के लिए हाइड्रोलिक ब्रेक्स दिए गए हैं। सर्विस की अगर बात करें, मेंटेनेंस की अगर बात करें, तो 40,000 किलोमीटर का सर्विस इंटरवल रखा गया है पूरी ग्लोबल सीरीज प्लेटफॉर्म में, और भरोसे के तौर पे कंपनी ने इस पे 3 साल अनलिमिटेड किलोमीटर की इंजन ट्रांसमिशन की वारंटी दी है। बात करते हैं कीमत की। सरताज जी S5252 हाईडेक ऑप्शन की शुरुआती एक शोरूम कीमत 11,70,000 रुपये रखी गई है। आकर्षक डिस्काउंट ऑफर्स की जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए SML सुजुकी हेल्पलाइन नंबर पर बात भी कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये पेशकश पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आप अपने सुझाव हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं। बहुत जल्द फिर मिलेंगे किसी और नए कमर्शियल व्हीकल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।